सो गाइज, इट्स करेंटली 11:18 PM एट नाइट एंड मैं और ध्रुव अभी जा रहे हैं द्वारका, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके अपने फ्रेंड से मिलेंगे जिनके साथ अपना बर्थडे मनाने वाले हैं। सो केक लिया है ना, तो इसका केक दिखाता हूँ अभी आपको। बहुत ही बढ़िया केक लाया है भाई, शानदार। लो भाई देखो, ब्रो अलग है और दर अलग है यार। मतलब कोई हिम्मत होती है भाई लड़के की ऐसे वापस से केक दिखाने के लिए। दो रेड लाइट मिली और 70-70 सेकंड की हम रुक के आए। जैसे ही हम लोग पहुंचे ये ग्रीन लाइट हो गई। बहुत बढ़िया, आई लव यू ग्रीन लाइट। ओ भाई, ये 132 सेकंड की रेड लाइट है। हो ही नहीं सकता गाइस, एक साल बाद मिलते हैं। अब अगले बर्थडे पे मिलते हैं, बाय। जी भैया, पूछोगे नहीं हम कहां से आए हैं? पूछोगे नहीं कहां से आए हैं? कहां से आए हो भैया? आपकी ड्यूटी तो मैं कर रहा हूँ, पूछने के बाद पूछना नहीं होता। वीडियो बना रहे हैं। सो इट्स करेंटली 11:32 PM। मैं पहुंच चुका हूं सांगवान की सोसाइटी के नीचे, बट सांगवान नहीं आएगा क्योंकि उसको थोड़ा सा शूट करना है। आई डोंट नो व्हाट ही हैव टू डू। ये रही सामने सीढ़ी, यहां से देखते हैं कितने लोग आते हैं। अभी तो एक भी ये बोलते एडवेंचर कर रहा हूँ मैं सही में, दोस्तों को उठाने का। मतलब उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए और यहाँ आया हूँ तेरे पास। तो बाकी लोगों को तो मैं उठा रहा हूँ उनके घर से। सही में भाई, क्यों पता नहीं, क्यों पता नहीं भाई, मार्स से आ रहे होंगे लड़के। स्पेस एक तो बना नहीं है, इन लोगों को भेज तो दिया शायद इलॉन मस्क ने, वापस नहीं आ रहे। यार क्या चल रहा है ऐसा, तू खुद कट ले यहाँ से। गाड़ी नहीं थी ना आज, बुगाड़ी गई हुई थी सर्विस स्टेशन पे। कौन से? सुजुकी के। 11:59 पे अगर हम लोग कहीं भी बाहर हुए रोड पे, वहीं पे रोकेंगे और केक काट लेंगे, ठीक है? वही प्लान है एग्जैक्टली। बाकी पॉलिसी आएगी तो हम कह देंगे यूट्यूबर हमें तो थंबनेल चाहिए। बट अभी बहुत अलग अलग जगह से बहुत तेज लौंडे आ रहे होंगे। एशले निकला हुआ है वहाँ पे मेरे घर से, यहाँ से सांगवान निकला हुआ है, ऊपर से आधार निकला हुआ है। तू तो निकला है, तेरे को तो जाके पिक करा है बेशरम। जयंतीलाल, थैंक यू भैया। मेरा हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भैया। भाई नहीं, अभी तो 58 है। देख ले भाई, अब हुआ एक मिनट, उनो मोमेंटो गाइस। अभी मैं 24 का हूँ, ठीक है? ध्यान देना, थोड़े टाइम में 25 का हो जाऊंगा। 25 बुड्ढा हो गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे देखो चार, हैप्पी बर्थडे चार अंडे गाइस, विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंशन। मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं करा था, सो यहाँ से हम लोग 25 हो चुके हैं। थोड़ी कैच तो काट दो। मैंने नहीं देखा था, सच में। फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे था यार। भाई अभी के बोल रहे थे ना, रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे से जितने लोग खड़े ना, किसी ने नहीं बताया कि हम लोग कहाँ पे हैं। वी आर लेजिट इन द मिडल ऑफ द्वारका, लाइक कुछ भी नहीं पता कहाँ पे हम लोग। रिएक्शन भाई इसलिए नहीं निकला। थैंक यू के बहुत भैया, पता मेरे को अभी तक नहीं पता। मैं इस ब्लॉग के बाद पता लगाऊंगा, उससे पूछूंगा कि आए कैसे यहाँ पे, कैसे किसने बताया हमारा करेंट लोकेशन। ये पहाड़ी एरिया है पूरा यहाँ पे, पता नहीं। और हम लोग आए हैं गाइस बाय द वे लेपर्ड्स ट्रेल, पता नहीं यहाँ पे जाके कुछ खाना पीना मिलेगा। बता दो, ये कैफे वैसे तो बंद रहता है। हाँ पानी मिल जाए बस। हम लोग ऐसे ड्राइव के लिए आए थे, बट ये तो बहुत ही एडवेंचर हो गया। हम लोग अरावली हिल्स में तो हाँ, बढ़िया रास्ता है यहाँ पे, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो प्लीज आओ। दो मिनट पहले बहुत बढ़िया रास्ता है, मजा आएगा। मतलब एडवेंचर के एडवेंचर हो जाएगा, पहाड़ वाला पहाड़ वाइब आ जाएगा। तुम अगर दिल्ली वाले लड़के हो, तुम अगर एक घंटे का ड्राइव करके आना हो, बहुत ही मजे आएंगे। लेपर्ड स्टेट डालो और आ जाओ गूगल मैप, और गूगल मैप से आना। गूगल मैप से आना, जिसको पता है वो आएगा, तो फिर फायदा नहीं। वो मून देखो भाई, क्या नहीं ये रहा
मून अपना। भैया आप तो पहुंचा दो प्लीज, ये अभी भी पहाड़ी चढ़े जा रहा है और यहाँ पे एडवेंचर पता है क्या है मेन चीज, 31% बैटरी और 58 किलोमीटर से, और यहाँ से घर जाने में पता नहीं क्या लगता ये पहाड़ों के बीच में। बट टेम्परेचर पता है यहाँ पे कितना हो रखा है, अभी तो 14 दिखा रहा है बट थोड़ी देर पहले था 13 डिग्री सेल्सियस। चॉकलेट पार्टी चल रही है और ये पता है किसने रखी थी, के ने डब्बा लिया था और हम लोगों को आज काम आ रही है भाई बर्थडे पे। बट प्यास लगी है यहाँ पे बहुत, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सही में सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक्स बर्थडे गिफ्ट है। यस बर्थडे गिफ्ट है वाला, यही चाहिए था। और ट्रिप तो अच्छी वाली वैसे बहुत अच्छी हुई है। हाँ यही लग रहा है भाई, यही के ऐसे लगा के गाने वाने सुन के चलते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक शॉप मिली थी हम लोगों को, दिस इज मंजू टी स्टॉल, और यहाँ पे मंजू भी हमारे लिए चाय बना के आए थे कुल्हड़ वाली। हाँ मैं भी खाऊंगा फैन, कैसे को फैन खाना पड़ेगा क्योंकि बहुत भूख लग रही है अभी। और फैन को खाने का भाई एक तरीका होता है, फैन को लो पहले यहाँ पे ले जाके इसको पूरा डिप करो फुल, थोड़ी देर इसको होल्ड कर आगे रखना है। 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है यहाँ पे, बताओ इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। ईटिंग फैंस